जय साईं जी दी रबिक जय साईं जी 786 एस ए ऑफिशियल चैनल दे नाल जुड़ी हुई हर एक नेक रूह नूं सलाम है, निघा स्वागत है। चैनल ते पहली बारी आए हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करो, बैल आइकन नूं जरूर दबाओ तां कि तुहानूं आउण वाली वीडियो की जो अपडेट है वह मिलती रहे। बाबा जी कहिंदे कि मन संतुष्ट क्यों नहीं हुंदा, मन की बक बक हर वेले जारी रहिंदी है। बाबा जी एक कदे कुछ मंगता है, कदे कुछ मंगता है, कदे कुछ करता है, कदे कुछ करता है। ये मन ही है जो सानू नकारात्मक विचार भी दिंदा है, सकारात्मक विचार भी दिंदा है, पर मन कदे संतुष्ट नहीं हुंदा। सो ये कहानी जिहड़ी है अज दी ये तुहानू नवा राह दिखावेगी। बाबा जी जरा गौर करना कि बड़े ना पुराने समय की गल है, एक ना सम्राट सी जिस दी उम्र 100 साल दी हो चुकी सी। बाबा जी हुण वक्त जिहड़ा है वह वापसी दा हो गया सी, अग्गा नेड़े आया तो पिछा रह गया दूर, वापसी दा हो गया ही। मौत एक दिन दरवाजे ते आके खड़ी हो गई। बाबा जी मौत ने कहा कि तू अपना जीवन जी लिया है, हुण ते हुण वापसी दा समा आ गया है। पर सम्राट कहन लगा कि हले कित्थे, हले तो मैं जिंदगी नूं जी के ही नहीं वेख्या, हले तक तो मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, हले तो इन्नी दौलत है इस संसार विच, बहुत सारे राज ने जो मैं जितने चाहुंदा हाँ और जो मैं जितने ने, और इन्नियां सोहणियां सुंदरियां ने इस दुनिया दे विच जो मैं अजे तक देखियां ही नहीं है, इसलिए तू हले जा ते बाद विच आवीं। ते जदों मैं इस दुनिया दियां सारियां खुशियां लुट लवांगा तो फिर मैनू तू लैके जा सकती है, फिर लै जावी। पर हुण मौत कहन लगी भी इदा नहीं हो सकता, तेरी आई है, तेनू जाना पवेगा। पर सम्राट अगो बोलिया कि कोई ना कोई राह तो होवेगा ही, तो मौत कहिंदे कि उस वक्त मन गई, दूसरे युग की मौत सी इसलिए शायद मन गई होवेगी। बाबा जी नहीं तो कलयुग की जिहड़ी मौत है वो जदों आउंदी है ना अपने नाल लैके जाती है। ता उस वक्त फिर जरा गौर करना कि मौत ने कहा कि एक रस्ता है, एक राह है, जेकर तेरी थां तेरा कोई पुत्र मेरे नाल चलन लई तैयार हो जावे तो मैं तेनूं 100 साल का समा होर दे सकदी हां। हुण सम्राट ये गल सुन के कहिंदा चल ठीक है, देख लैने आ। उह सम्राट ने अपने सारे पुत्रां नूं पुछया, जरा गौर करना, सारे बच्चों नूं पुछया कि पुत्र तुहाडे लई ही जीआ ते हुण मौत आ गई है ते मेरी जगह तुहाडे चो कोई जा सकता है, तो सारिआं ने ना कर दित्ती, इनकार कर दित्ती। पर जिहड़ा सब तो छोटा पुत्र सी ना वह कहन लग्या कि जदों 100 सालां विच तुहाडी इस संसार तो इच्छावां दी पूर्ति नहीं हुई, जरा गौर करना बाबा जी कि जदों 100 सालां विच तुहाडी इस संसार तो इच्छावां दी पूर्ति नहीं हुई ते तुहानू सुख प्राप्त नहीं होया तो मैनू भी नहीं होवेगा, ते मैं एवें ही क्यों फालतू दे 100 साल जिहड़े है 100 सालां तक एवें संघर्ष करी जावां कि जदों तुहाडी नहीं संतुष्टि होई तो मैनू भी लगता मैनू भी नहीं होनी, ते मैं एवें 100 सालां तक संघर्ष करां, जदों आखिर जाना ही है तो इसलिए मैं तुहाडी जगह मौत दे नाल जाण लई तैयार हाँ। हुण जदों छोटा पुत्र मन गया तो वह मौत नाल चला गया, तो सम्राट नूं 100 साल दी जिंदगी जिहड़ी है समा जिहड़ा है वह होर मिल गया। पर इस संसार दे भोग विलास दे विच डुबे हुए सम्राट नूं बाबा जी जरा गौर करना, भोग विलास दे विच डुबे हुए सम्राट नूं पता ही नहीं लगा कि कदों 100 साल होर बीत गए। और इंसानां नूं बाबा जी पता भी कदों लगता है, पता नहीं लगता, जदों अंत समा नेड़े आ जाता है, मौत सिर ते खड़ी हुंदी है ना, उदों फिर याद आउंदा है कि समा तां हथों निकल गया है, तो अज तक तो किया ही कुछ नहीं गया, वो जिहड़े कर्म करन आए सी वो तो कर ही नहीं हुए, जो नाल जाना है वो तो कट्ठे कर ही नहीं हुए। हुण जदों उसने मौत नूं मुड़ के सम्राट ने दोबारा मुड़ अपने सामने देखिया ना मौत नूं, तो उसने कहा तू फिर आ गई, मेरे 100 साल पूरे हो गए। तो मौत कहन लगी हाँ जी पूरे हो गए ने, तुहाडे 100 साल जिहड़े तुहाडे समा मिलिया सी ना तुहानूं तुहाडे पुत्र दी जगह वो भी पूरे हो गए। तो सम्राट कहन लगा
कि अजे तो मैनू कोई सुख मिले ही नहीं है, मैं तो अजे जिंदगी जी के देखा ही नहीं है, मैनू तो हजे तक संसार में कोई सुख मिले ही नहीं है, मैं होर जीना चाहता तो होर सुख की भाल करना चाहता। हुण मौत ने बाबा जी फिर कहा कि जे तेरी जगह पर कोई पुत्र तेरा चल पवे तो मैं तेनों 100 साल होर दे सकती हाँ। हुण जिहड़े 100 साल राजे नूं मिले सी ना, उन्हां 100 सालां दे विच जिहड़े उहदे पहले पुत्र सी उह कई मर गए ते हुण नवें पुत्र हो गए सी, ते उन्हां विचों इक जिहड़ा पुत्र सी उह मौत नाल जाण लई तैयार हो गया। सम्राट नूं फिर 100 साल मिल गए बाबा जी। हुण जिहड़े हुण मिले 100 साल इह वी लंघ गए, इहदा वी नहीं पता लग्गिया। सम्राट तां सोचदा सी कि 100 साल बहुत हुंदे ने, लभ लवांगे सुख नूं वी, सुख कित्थे है, सुख दी भाल सी जिहड़ी उह सुख मिल जाएगा, पर कुछ नहीं होया। मौत फिर आ गई ते उह देख के फिर घबराया। राजे ने कहा कि तू फिर आ गई, ते मौत ने कहा हाँ भाई तेरे 100 साल सी जिहड़े उह पूरे हो गए, जिहड़े 100 साल होर सीगे उह पूरे हो गए, आखिर तू कर की रहा है कि 200 साल बाद भी तू उदास नज़र आ रहा है। सम्राट ने कहा मैं रोज़ सुख नूं लभदा आ, खुशी नूं लभदा आ, लगदा है कि कल मिल जाएगा सुख जिहड़ा है, हर रोज़ लगदा है कि कल मिल जाएगा, ते जिद्दां ही अगला दिन आउंदा है तो फिर कुछ भी हथ नहीं आता, निराशा हथ लगती है, फिर सोचता है बाबा जी कि कल मिल जाएगा, पर कल भी कुछ नहीं होता। एवें दिन बीत रहे ने, इस सुख की पूर्ति विच मैं बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, बहुत सारिया सुंदर सोहनिया औरतों नाल व्याह किया, पर मैनू अजे तक उस सुख की प्राप्ति नहीं हुई जो मैं चाहना हाँ, इसलिए इदा कर तू मैनू 100 साल होर दे दे, ते मैं यकीनन पक्की गल है कि इन्हां 100 सालों के सुख लभ ही लवांगा। हुण बाबा जी मौत जिहड़ी है वह फिर मन गई, पर उस शर्त ते, ते फिर इस बार उस दे कई पुत्रां चों इक मौत दे नाल जाण लई तैयार हो गया। हुण कहानी कहिंदी है कि सम्राट जिहड़ा सी ना वह 1000 साल जीया बाबा जी, 1000 साल तक मौत नाल इदां ही करदा रहा, पर जदों 1000 साल पूरे हो गए उस वक्त भी उहदी जिहड़ी स्थिति सी, उहदा जिहड़ा हाल सी उह उही सी जदों पहली वारी मौत उस नूं लैण आई सी। हुण जदों मौत आई, जरा गौर करो, तां सम्राट कहिण लगा वी मैनूं लै चल, क्योंकि मैनू इन्ने सालों के सुख नहीं मिले तो ना ही मैं लगता कि हूँ मिलेगा। हूँ सम्राट जो है, सम्राट की कहानी तो सिर्फ एक कहानी है बाबा जी, पर जिहड़े जानते हैं ना, जिहड़े जानते हैं वो कहिंदे ने कि असी तो कई बार जी चुके हैं, बस हर वारी शरीर बदल जाता है। सम्राट का भी कई बारी बदलिया बाबा जी, सम्राट का भी शरीर बदल गया, पुत्र का मिल जाता सी। हुण इह गल याद रखना, गौर करना इस गल ते कि हज़ारां वार हज़ारां साल असी भी जी चुके, वक्खो वक्खरे शरीरां दे नाल बाबा जी, इक्को सुख दी तलाश विच, पर वह किसे नूं मिलदा ही नहीं है। भागवत गीता विच, श्रीमद भागवत गीता विच श्री कृष्ण साहब फरमाउंदे है, श्री कृष्ण जी महाराज ने फरमाया कि सुख दे मोह विच ही इंसान इस संसार विच मुड़ मुड़ के जन्म लैंदा है, वह जन्म लैंदा है ते सारी उम्र सुखां वास्ते भटकदा रहिंदा है ते अंत दे विच मर जांदा है बाबा जी, पर उस दे मोह कदे भी खत्म नहीं हुंदे। हुण इत्थे जरा गौर करना, उस दे मोह श्री कृष्ण कहिंदे कदे खत्म नहीं हुंदे, वह मुड़ तो सुख भोगण दी लालसा विच दूजे शरीर विच जन्म लै लैंदा है, ते आ जिहड़ा सिलसिला है ना इह इसे तरह ही जारी रहिंदा है बाबा जी, जदों तक कि वह इंसान उस सुख नूं अपने अंदर नहीं खोज लैंदा। जरा गौर करना बाबा जी, जिदा ना एक एंड्रियो कारनेज नाम का व्यक्ति सी, और उस समय जदों पैसा कमाना मुश्किल सी, अज की दुनिया के डिजिटल दुनिया है, एलन मस्क, मार्क जकरबर्ग जिन्होंने फेसबुक बनाई है, टैसला का मालिक है एलन मस्क, इन्होंने कई 100 करोड़ों के पैसा कमाया है पर डिजिटल वर्ल्ड, पर उस वक्त जिहड़ा सीगा वो डिजिटल वर्ल्ड नहीं सीगा, जदों एंड्रयू कारनेज सी उन्हें कहिंदे कि उस वक्त $10 अरब की कमाई की सी बाबा जी। जरा गौर करना, $10 अरब उन्हें उस वक्त कमाए से, वो
स्टील किंग के नाम तो जाने जाता सी। उस वक्त उसने अपने जवानी के दिनों में एक स्टील कंपनी में एक साधारण मजदूर तो अपने कैरियर की शुरुआत की थी। बाबा जी उसका बचपन जिहड़ा है वह बड़ा गरीबी के बीतिया सी। इस तो बाद भी वह उस समय अमरीकी इतिहास का सब तो अमीर व्यक्ति बनया। बचपन गरीबी में सी पर इस दे बावजूद भी वह अमरीकी अमेरिका दे विच सी अमरीकी इतिहास दे विच सब तो ज़्यादा अमीर व्यक्ति बनया। तो जदों उन्हां दी मौत हुई ना, जदों उन्हां दी मौत हुई तो कहिंदे वह पिछे $10 बिलियन छड्ड गए सी। बाबा जी $10 बिलियन छड्ड गए सी। इन्ना पैसा सी कि अज तक किसी ने देखिया नहीं सी इन्ना पैसा। उन्हां उत्ते किताब लिखण वाले लोगों ने लेखकों ने उन्हां दे मरन वाले दिन उन्हां नूं पुछिया सी, उन्होंने सवाल किया एंड्रयू कार्नेज नूं जिन्होंने उन्होंने किताब लिखी है। उन्होंने पूछा कि तुसी बड़े खुश होवोगे कि तुसी अपने पिछे $10 बिलियन की जिहड़ी जायदाद छड्ड के जा रहे हो, तुसी इस संसार के सब तो सफल उद्योगपति हो। उद्योगपति हो अज तक किसी भी उद्योगपति ने $10 अरब की कमाई नहीं की बाबा, इसलिए तुसी तो खुश होवोगे, खुशी खुशी मरोगे। तो उस वक्त ये गल सुन के ना कहते कि एंड्रयू कार्नेज नू बड़ा गुस्सा आया। वो बोलिया कि की कह रहे हैं तू, $10 बिलियन? वो मैं तो $100 अरब कमाना चाहता सी पर मैं असफल रहा, मैं असफल रहा, मैनू इस गल का बहुत अफसोस है। हुण इस गल ते जरा तवज्जो देना बाबा जी, गौर करना कि जेकर एंड्रयू ने $100 बिलियन कमाले होंदे तो उन्होंने ये इच्छा भी लाजमी रहनी सी कि मैं हुण $500 बिलियन कमाने हैं। उस वक्त जदों मौत आनी सी उन्हें कहना सी भी मैं तो $500 मिलियन कमाने सी, मैं वो नहीं कमा सकिया। और ये फकीर फरमाते हैं बाबा जी, जरा गौर करना कि जदों तक इंसान ये नहीं समझेगा कि इंसान दियाँ मनुखा दियाँ इच्छावां दा कोई अंत नहीं है तो उदों तक असी इस मौत बाहर आ ही नहीं सकते बाबा, तो असी कदे भी उन्हां सुखां नूं महसूस कर ही नहीं सकते। जरा गौर करना बाबा जी कि जिहड़ा बाहरों सुख लभदा पिया है ना, फकीर फरमाउंदे आ जिहड़ा बाहरों सुख लभदा पिया है, इच्छावां पूरियां करन च लग्या होया है, वह अंत दे विच इदां ही जाएगा कि मेरी आ इच्छा नहीं पूरी हुई, मेरी वह इच्छा नहीं पूरी हुई। पर यह फकीर की कहिंदे आ कि कुत्ती मरे फकीर की जिहड़ी टौं टौं नित करे, अपने मन नूं कह रहे कि फकीर उही है जिन्हें वह मन जिहदा मन टौं टौं करनों हट गया है, मन दियां इच्छावां नूं जिन्हें मार लिया है। जरा गौर करना बाबा जी कि अरमान तमाम उम्र के सीने में है दफन, उन्होंने दफन कर दते बाबा जी। जिदा ख्वाजा साहब एक बारी उन्होंने मन च आया, हजरत ख्वाजा साहब अजमेर शरीफ वाले, उन्होंने मन च आया कि यार अज हलवा खाना है, हलवा खाण का मन होया। मन ने कहा, मन ने व्डे व्डे साधु संत फकीर नूं नहीं छड्डिया बाबा जी, वो इच्छावां करता है। मन ने इच्छा कीती कि हलवा खाना है, इन्नी देर नूं वह गल कर रहे हैं, इन्नी देर नूं उत्थे एक बंदा आया कि दुआ करान, तो हलवा पूरा ऐन लैके हलवा पूरी लैके आ गया। उस वक्त ख्वाजा सरकार ने जुबान चो पढ़िया अलहमदुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, कि रब्बा तेरा लख लख शुक्र है कि अजे मानची सी गल तो पूरी कर दिती है। ये फकीरी रंग है बाबा जी, जरा गौर करना, ये फकीरां दा रंग है कि मन च गल आई वो पूरी हो गई। एक वक्त इबादत में ऐसा भी आता है कि सिर्फ सोचता है बंदा और खुदा वो इच्छा पूरी कर देता है। तो ख्वाजा साहब तो फकीर बाबा जी वली, हुण उन्होंने जिदा मन च आया उत्थे बंदा आ गया, उन्होंने कहा अलहमदुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, के रब्बा तेरा लख लख शुक्र है कि अजे मन च ही सी गल पूरी कर दिती। हुण जदों वो लैके आया उन्होंने दुआ पढ़ी, दुआ पढ़ के वो कहिंदे आ सारा हलवा पूरी जो भी है इहनूं सारा बाहर वंड दिओ। उस सेवादार जिहड़ा कोल बैठा सी वो कहन लगा कि ख्वाजा साहब हुणे तुसीं कह रहे सी हलवा खाने का मन है, हुण हलवा भेजिया है खुदा पाक ने, तुसीं आया तुहाडे कोल तुसीं बाहर वंडता। वो कहिंदे ये मन है, ये मन है, ये कदे संतुष्ट नहीं हुंदा, अज ये मंगदा है कल नूं कुछ होर मंगेगा, इहदियां सारियां इच्छावां मैं पूरियां नहीं करनियां। सो जरा गौर करो बाबा जी। और बंदा कहिंदा है अंत वेले भी जदों $10 अरब सीगे डॉलर, वह कहिंदा मैं $100 अरब कमा लवां, और ये लाजमी गल है कि जे 100 हो जाते उन्हें कहना ही मैं 500 कमा लवां, क्योंकि संतुष्टि नहीं है, संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि कितों मिलती है? इन्हां गुरुआं रहिबरां पीरां फकीरां दे दर तो मिलती है, उस रब दे नाम चों मिलती है संतुष्टि बाबा जी। और फिर वह भटकना बंद हुंदी है हजार सालों वाली, फिर वह भटकना बंद हुंदी है। ताहीं तां कहिंदा फिर हुण चलीए यार अपने
ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ। ਅਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਹਾਜਣ ਆਈਆਂ ਸੀ ਰੂਹਾਂ ਪਰਦੇਸ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਰੋਲਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰ ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਨਾ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕੁੱਤੀ ਮਰੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਕਰੇ, ਪੰਜ ਸੱਤ ਮਰਨ ਗਵਾਂਢਣਾ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਜੈ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ।